फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सिंगर और म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी हाल ही में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, बप्पी लहरी इन दिनों ब्रिज कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। जी हां, इन सब के बीच बप्पी लहरी के बेटे बप्पा ने पिता की सेहत के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पिछले साल वह फेफड़ों की समस्या से परेशान है, जी हां, जिसका इलाज चल रहा है। अभी उनकी हालत में थोड़ी सुधार हुई है। जी हां, बप्पी दा की सेहत के बारे में उनके बेटे बप्पा ने बताया है कि हम उनसे फोन पर लगातार संपर्क में हैं। बप्पा ने कहा कि कोरोना के कुछ शुरुआती लक्षण के बाद हमने उनका कोरोना टेस्ट कराया था। रिपोर्ट आने के बाद हम बहुत चिंतित थे। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने अमेरिका से भारत वापस आने के बाद मैंने सोचा था कि कुछ दिनों तक होटल में क्वारंटीन रहेंगे, लेकिन तभी उन्हें अपने पिता के बारे में जानकारी मिली। बप्पा लहरी ने कहा कि जब वह भारत आ रहे थे तब उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा था कि अपने पिता और परिवार को इन्फेक्शन के रिस्क से बचाने के लिए भारत आने के बाद मैंने करीब एक हफ्ते तक होटल में रहने का विचार किया था। जैसे ही मैं होटल में दाखिल हुआ मुझे बप्पी दा के बारे में जानकारी मिली। बप्पा ने आगे बताया कि उनके पिता पिछले एक साल से फेफड़ों की समस्या से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि बप्पी दा की आवाज़ बदली है। वो अक्सर सर्दी और जुकाम और गले में शिकायत की समस्या उन्हें हो जाती है। उनके सेहत के बारे में उन्होंने बताया कि अभी उनकी हालत में थोड़ी सी सुधार है। वह वीडियो कॉल के जरिए परिजनों से बात कर रहे हैं। बप्पा ने बताया कि उनका इलाज डॉक्टर उदवाडिया कर रहे हैं। हम राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छी देखभाल में रखा गया है। आपको बता दें कि बप्पी लहरी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की जानकारी उनके प्रवक्ता ने दी। जी हां, संगीतकार के प्रवक्ता ने कहा कि काफी सावधानी के बावजूद दुर्भाग्य से बप्पी लहरी कोविड 19 से संक्रमित हो गए हैं और ब्रिज कैंडी अस्पताल में अच्छी और विश्वसनीय देखभाल के बीच है। बप्पी दा का परिवार उन सभी लोगों से एहतियात बरतने का अनुरोध करता है जो हाल के दिनों में उनके संपर्क में आए हैं, साथ ही खुद की जांच करवाने का भी आग्रह करता है। जी हां, तो हम भी दुआ करते हैं कि जल्द बप्पी लहरी ठीक हो जाएं, अपने घर वापस चले जाएं। आप भी दुआ कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।